अब सीधा रुख कर रहे हैं यूपी विधानसभा का, जहां बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए 1,00,000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पिपराइच एवं मुंडेरवा में स्थापित 5,000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फर लेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्य हुए तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध विकास दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106.95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74.21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 1,00,000 लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन गो संरक्षण हेतु निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहत गो संरक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 195.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68% अधिक है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना हेतु 78.55 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया, जिसका लाभ 14.35 लाख कृषकों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 257 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।